तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी को लगा बड़ा झटका, योगी के मंत्री को होगी जेल, कोर्ट ने आदेश किया जारी, बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन से विवाद को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी को नहीं पता कि चीन से कैसा निपटा जाए, अपने पद से मोदी दे इस्तीफा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले किसानों ने योगी को दी सीधी धमकी, कहा दिल्ली की तरह नखलऊ का करेंगे घेराव और उत्तर प्रदेश में भाजपा को नहीं जीतने देंगे किसी कीमत पर चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में भाजपा को लगा बड़ा झटका, कर्नाटक में भाजपा सीएम येदियुरप्पा ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस बोली एक भ्रष्ट सीएम गया तो दूसरा भी भ्रष्ट ही सीएम आएगा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सीए पर्सनल लॉ बोर्ड ने जनसंख्या नियंत्रण कानून रद्द करने की योगी से की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका, अफगानिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत का दौरा किया रद्द। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी को लगा बड़ा झटका, योगी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जाएंगे जेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि बलिया से विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला कभी भी जेल जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बलिया की एक अदालत ने महिलाओं को अपमानित करने और उनके साथ मारपीट करने की शिकायत का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य और उत्तर प्रदेश के बड़े मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसके बाद योगी सहित भाजपा को बड़ा झटका यूपी में लगा है। गौरतलब है कि रानी देवी ने आरोप लगाया था कि राज्य मंत्री और भाजपा के बड़े नेता आनंद स्वरूप शुक्ला के भड़कने पर उनके समर्थकों की तरफ से महिलाओं के साथ मारपीट एवं अभद्रता की गई थी, जिसमें महिला अर्ध निवस्त्र हो गई थी। रानी देवी ने शिकायत में संसदीय कार्य, राज्य मंत्री शुक्ला, उसके भाई और कई और समर्थकों पर आरोप लगाया, जिसके बाद इन सभी पर FIR दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दे दिया। और अब चुनाव से पहले भाजपा के ये बड़े नेता जेल जाने वाले हैं, योगी को बड़ा झटका यूपी में लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा LAC विवाद पर भाजपा को नहीं पता निपटा कैसे जाए चीन से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि चीन से कैसे निपटा जाए। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट को साझा करते हुए ये बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को आगाह करते हुए कहा कि आज चीन की हरकतों को नजरअंदाज करने से भविष्य में बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि कई रिपोर्ट में दावा हुआ है कि चीन लगातार पूर्वी लद्दाख में भारत से सटी सीमाओं पर अपने सैनिक और हथियारों को तैनात कर रहा है और भारत की जमीन पर कब्जा करने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार इन सभी बातों से इनकार करती है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि एक बार हम अपने सैनिकों को खो चुके हैं और सरकार अब के हमारे सैनिकों के साथ ऐसी कार्रवाई ना करवाए, इसलिए सरकार को सतर्क रहना चाहिए और नीति बनानी चाहिए कि किस तरह से हमें चीन से लड़ना है। तो ये बड़ी अपडेट आई, राहुल गांधी ने बड़ा हमला चीन को लेकर बोल दिया है मोदी सरकार पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले राकेश टिकैत ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा दिल्ली की तरह नखलऊ का करेंगे घेराव, नहीं जीतने देंगे यूपी में योगी को चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने आज योगी आदित्यनाथ को बड़ी धमकी दी है। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले दिल्ली की तरह हम नखलऊ का घेराव करेंगे और जिस तरह से दिल्ली रास्ते सभी तरफ से सील हैं, उसी तरह से नखलऊ का घेराव करके नखलऊ के सभी रास्ते सील कराएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि पिछले 8 महीनों से किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार बात मानने के लिए तैयार नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि अब हमें यही चारा रह गया कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार हमें गिरानी है और जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार गिर जाएगी तभी भाजपा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि दुनिया भर के देशों से हमें जो है
समर्थन प्राप्त है, लेकिन भाजपा इतने पे भी कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर रही। तो राकेश टिकैत ने यह बड़ी धमकी चुनाव से पहले दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम मिजोरम में सीमा विवाद को लेकर हुई हिंसा, 6 जवान असम पुलिस के हुए शहीद। जी दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की असम और मिजोरम सीमा पर तनाव के बीच हुई हिंसा में सोमवार को असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दोनों राज्य के बीच पिछले कुछ दिनों में तनाव लगातार बढ़ा है और सोमवार को पत्थरबाजी की तस्वीर सामने आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बाद सीमा विवाद पर असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से बात की और शांति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 6 जवान असम पुलिस के मारे गए हैं, क्योंकि लगातार असम और मिजोरम में सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में येदियुरप्पा के इस्तीफे पर बोले सिद्धरमैया, एक भ्रष्ट सीएम गया तो दूसरा भी भ्रष्ट सीएम आएगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भले ही अब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन राज तो बीजेपी का ही है। सिद्धरमैया ने कहा कि येदियुरप्पा के जाने से राज्य में कुछ नहीं बदलेगा, एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री चला गया, जो उनकी जगह लेगा वह भी भ्रष्ट होगा। राज्य में बीजेपी को इस्तीफे दे देने चाहिए, क्योंकि ये सरकार लोगों के हितों के लिए काम नहीं कर सकती। तो ये बड़ी अपडेट आ रही भैया आपको दादे की, येदियुरप्पा ने कल ही अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब कोई नया सीएम भाजपा कर्नाटक में बनाने वाली है, तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान की आक्रात्मकता से बेबस हुआ अफगानिस्तान, आर्मी चीफ का भारत दौरा रद्द। जी दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कहर के मद्देनजर वहां के आर्मी चीफ वली मोहम्मद ने भारत दौरा रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि भारत दौरे के दौरान सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और राष्ट्रीय सुरक्षाकार अजीत डोभाल समेत बड़े सुरक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाले थे। वे ऐसे समय में भारत आने वाले थे जब अमेरिकी विदेश मंत्री भी भारत पहुंचने वाले हैं। सोमवार को उन्होंने अपनी यात्रा रद्द करने की जानकारी भारत को दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि तालिबान लगातार अफगानिस्तान में कब्जा करता हुआ जमीन पर जा रहा है और इसी डर से ये दौरा उन्होंने रद्द किया है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जनसंख्या कानून योगी से रद्द करने की है मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक सोमवार को लखनऊ में हुई थी, जिसमें मुसलमानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून व धर्मांतरण सहित कई मुद्दों पर चर्चा की है। जी दोस्तों आपको बता दें कि पद अधिकारियों ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। बोर्ड के महासचिव मौलाना आयुब अब्बास ने कहा कि धर्मांतरण के जरिए मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बदनाम कर रही है, कोई किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि इस काम पर योगी सरकार पछतावा महसूस करे और जो धर्मांतरण के मुसलमानों पर आरोप लग रहे हैं और जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी सरकार बना रही है, इनको रद्द करे और इन पर पुनर्विचार योगी सरकार करे। तो ये बड़ी बात जो है सिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक में की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में 2025 में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है भाजपा। जेडीयू ने कहा ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नहीं जीतेगी बिहार में भाजपा। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं है। हर बड़े मौके पर बीजेपी और जेडीयू की राहें जुदा आ रही हैं और कभी भी बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट सकता है और सरकार गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है और इस बात का खुलासा खुद भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री ने किया है। दरअसल वैशाली जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक में बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी के 2025 में अपने दम पर चुनाव लड़ने का खुलासा किया है। बीते दिनों अगर बात करें तो हर बड़े मौके पर बीजेपी और जेडीयू अलग खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोनों पार्टियों की राह जुदा हो रही है और राय भी अलग अलग है, क्योंकि जातीय जनगणना जेडीयू ने मांग की थी कराने की, लेकिन भाजपा ने इसे कराने से इनकार कर दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं लव जिहाद और जनसंख्या कानून
पर भी बिहार में नीतीश कुमार ने मना कर दिया था लाने से, लेकिन भाजपा इसे लाने की कोशिश कर रही थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कभी भी गिर सकती है बिहार में सरकार। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रैक्टर मार्च में गिरफ्तार हुए कांग्रेस नेता रिहा, बोले जेल जाने से नहीं डरते, जारी रहेगा संघर्ष। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार सुबह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे। किसान आंदोलन के समर्थन और तीन कृषि कानूनों की रद्द करने की मांग करते हुए कांग्रेस नेता संसद पहुंचे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, श्रीनिवास, मनीष ठाकुर समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 144 के उल्लंघन के मामले में हिरासत में लिया था। पुलिस ने करीब 7 घंटे बाद शाम को कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया है। रिहाई के बाद एक बार फिर से तेवर दिखाते हुए कांग्रेस नेताओं ने संघर्ष जारी रखने की बात कही है। पुलिस हिरासत से छूटने के बाद श्रीनिवास और सुरजेवाला ने कहा कि ये लड़ाई जारी रहेगी, ये लड़ाई खेती की सुरक्षा, किसानों के अस्तित्व के लिए है। इन लोगों ने हमें 7 घंटे तक जेल में रखा है, अगर ये हमें 70 साल तक के लिए भी जेल में रखेंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं और तीनों कृषि कानूनों को वापस कराकर ही वापस जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 5 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी से आज कर सकती हैं मुलाकात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के मानसूनी सत्र के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को अपने 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंची। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने के बाद ये उनका राष्ट्रीय राजधानी का पहला दौरा है और वह मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती है। टीएमसी द्वारा जारी की गई 5 दिवसीय यात्रा के कार्यक्रम के अनुसार ममता बनर्जी मंगलवार को शाम 4 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी। सूत्रों के मुताबिक ममता बुधवार को राष्ट्रपति से मिलेंगी। ममता बनर्जी का कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा कमलनाथ, आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम भी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के पद पर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चुनाव लड़ेंगी और इसी को साधने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी सरकार पर बरसे आप सांसद संजय सिंह, कहा बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को बना दिया नर्क। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद व यूपी प्रभारी संजय सिंह आज एक बार फिर से योगी सरकार पर जमकर बरसे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 1 माह का सदस्य अभियान चलाया, जिसमें 1 करोड़ कार्यकर्ता बनने का लक्ष्य पूरा होने वाला है और इस पूरे होते हुए लक्ष्य को देखते हुए अब जो है आम आदमी पार्टी ने योगी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 4.5 साल के सरकार में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को नरक बना दिया, कानूनी व्यवस्था ध्वस्त है, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, सरकार के कर्मचारी फरौती लोगों से मांग रहे हैं और बिना किसी पैसे के कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, गंभीर आरोप जो है लगा दिए हैं।